मॉन्स्टर वर्स के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ पर कॉन्ग, गॉडजिला और किंग गिदोरा जैसे ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं जिनके सामने इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं। तो आज हम इसी मॉन्स्टर वर्स के मॉन्स्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं और निकालने वाले हैं इनके बीच में से टॉप 10 मॉन्स्टर्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राइम, आप देख रहे हैं प्राइम एक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। तो नंबर 10 पे हमारे पास है बिहोमथ। इस मॉन्स्टर का फर्स्ट रेफरेंस हुआ था गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में। ये बहुत हद तक मेमूथ की हाइब्रिड स्पीशीज की तरह दिखता है, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर एप की तरह दिखाई देता है। अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 354 फीट है, यानी गॉडजिला जितनी, और इसके एक एक दांत की लंबाई 100 फीट तक है, और इसके हाथ और पैर में बड़े बड़े नाखून किसी को भी फाड़ देने की काबिलियत रखते हैं। अगर इसकी वेट की बात करें तो ये गॉडजिला से भी ज्यादा भारी है। ये करीब करीब 1,00,000 टन का है। इसके बारे में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं मिल पाई है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट मॉन्स्टर है मेथुसेला। इसकी हाइट करीब करीब 400 फीट तक। एक हैवी वेट मॉन्स्टर होने के कारण इसका वजन करीब करीब 1,24,000 टन से भी ज्यादा है। इसका फर्स्ट रेफरेंस भी हमें गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखने को मिला था, जहां ये हाइबरनेशन में सोया हुआ रहता है और इसे जगाता है हमारा किंग गिदोरा, ताकि गॉडजिला से लड़ने में इसे मदद मिल सके। ये मॉन्स्टर चलने से अर्थक्वेक ला सकता है, और ये मॉन्स्टर चलते चलते थक गया और कहीं बैठ गया तो वहाँ पूरी सिटी तबाह हो जाती है, पर ये गॉडजिला जितना ताकतवर नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट मॉन्स्टर एक फीमेल टाइटन है, मोथरा। ये एक बटरफ्लाई शेप टाइटन है। बाकी टाइटन से तो ये साइज में छोटी है, पर इसकी इमोर्टेलिटी इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। मोथरा उड़ सकती है, स्पाइडर वेब शूट कर सकती है, और अपने पीठ पे लगे हॉर्न से इसने रोडान जैसे टाइटन को भी हेविली इंजर्ड किया था। इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है इमोर्टेलिटी, यानी कि अगर मोथरा मर भी गई तो एक नया एग हैच होगा और उसमें से एक नई मोथरा निकलेगी। जैसा कि हमने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखा, मोथरा ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे नेक्स्ट मॉन्स्टर स्कल आइलैंड को बिलोंग करते हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास है स्कल क्रोलोस। ये एक एंशियंट रेप्टिलियन स्पीसीज है। ये कॉन्ग की स्पीसीज के भी जानी दुश्मन रह चुके हैं। कॉन्ग की स्पीसीज की दुश्मनी स्कल क्रोलोस और गॉडजिला दोनों स्पीसीज से रह चुकी है। इन्होंने कॉन्ग के पेरेंट्स को मार दिया था जब कॉन्ग सिर्फ एक बच्चा था। ये होलो अर्थ में रहते हैं और सिर्फ खाने की खोज में ही बाहर निकलते हैं। अपने बोनी माउथ और शार्प जबड़े से ये किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। स्कल क्रोलोस का लीडर यानी कि स्कल डेविल कॉन्ग को एक अच्छी टक्कर दिया था, पर आखिर में कॉन्ग ने उसे हरा दिया था। तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, और नंबर 6 पे हमारे पास है म्यूटोस। इन मॉन्स्टर्स का फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ था गॉडजिला मूवी में, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, गॉडजिला की स्पीशीज और इनकी स्पीशीज का राइवलरी बहुत टाइम तक रह चुका है। इनकी शेल लाइक स्किन की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत, और ये अपने पैर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जनरेट कर सकते हैं, जिससे पूरी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती। मेल म्यूटू फीमेल म्यूटू से थोड़ा छोटा होता है। ये खास करके गॉडजिला को हराने के लिए बने हैं, इसीलिए गॉडजिला को भी इन्हें हराने में टाइम लगा था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट मॉन्स्टर है रोडान। ये एक फायर टाइप मॉन्स्टर है जो कि वोल्केनोस में रहता है। इसे एपेक्स ने जगाया था मॉन्स्टर जीरो यानी कि किंग गिदोरा से फाइट करने के लिए। इसका विंग स्पैन करीब करीब 800 फीट तक है, जिससे ये सिटीज के ऊपर उड़ने से ही पूरी सिटी को तबाह कर देता है। ये फाइटर जेट से भी तेज उड़ सकता है। ये अपने विंग से थंडर क्लैप अटैक भी कर सकता है, और इसके जबरदस्त हीलिंग फैक्टर से ये मोथरा के अटैक से भी जल्दी से हील हो गया था। इस पर किंग गिदोरा की ग्रेविटी भीम्स का भी कोई असर नहीं हुआ। और जहां तक फाइट की बात करें तो रोडान एक रियली पावरफुल टाइटन है। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 में इंसानों का रखवाला कॉन्ग। यस, कॉन्ग इस लिस्ट के नंबर 4 पे है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कॉन्ग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने मेका गॉडजिला को भी हराया था। पर लेकिन जब उसने मेका गॉडजिला को हराया था तो वो आउट ऑफ कंट्रोल था, और गॉडजिला ने उसकी अटैकिंग एक्स को भी चार्ज किया था।
पर इस बात में कोई शक नहीं कि कॉन्ग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइटन है और उसकी एक्स ने गॉडज़िला और मेका गॉडज़िला दोनों को हैवीली इंजर्ड कर दिया था, तो इसीलिए कॉन्ग हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर है। तो चलते हैं टॉप 3 में। तो 3 नंबर पे जो है वो है मेका गॉडज़िला। इसने कॉन्ग और गॉडज़िला दोनों को ही ओवर पावर कर दिया था। बात करें इसके वेपन्स की तो इसके पास मिसाइल लॉन्चर्स, प्रोटॉन बीम जो कि गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रेथ को भी संभाल सकती है, और थ्रस्टर्स जो कि इसे फास्ट मूव करने में हेल्प करते हैं। मेका गॉडज़िला को ह्यूमंस ने बनाया है ताकि वो सारे टाइटन्स को ख़त्म कर सके। मेका गॉडज़िला किंग गिदोरा की कॉन्शियसनेस पर काम करता है और इसने स्कल क्रॉलर को भी बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में ये कॉन्ग और गॉडज़िला दोनों पे भारी पड़ा था। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 की तरफ, और नंबर 2 पे है किंग गिदोरा। गॉडज़िला के बगैर अगर कोई अल्फा टाइटन बना है तो वो है किंग गिदोरा। किंग गिदोरा 3 सिर वाला एक एलियन मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर गॉडज़िला से साइज में बड़ा है और गॉडज़िला को 1-on-1 बैटल में भी हरा चुका है। ये ग्रेविटी बीम्स प्रोड्यूस कर सकता है और थंडर भी जनरेट कर सकता है, और गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था, यहाँ तक कि रोडान भी इसे नहीं हरा पाया था। किंग गिदोरा के पास फ्लाई करने के लिए भी मैसिव विंग्स हैं, और ये किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने के बाद सारे मॉन्स्टर्स को भी काबू में कर सकता है। इसके पास रीजनरेटिव पावर भी है जिससे इसने अपने सर को हील किया था, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद एक मॉन्स्टर ऐसा भी है जिसने इसे धूल चटाई थी, और वही मॉन्स्टर है हमारा नंबर 1 द बर्निंग गॉडज़िला। गॉडज़िला एक एपेक्स प्रेडिटर है और जिस टाइटन से भी इसका सामना हुआ इसने उसको धूल चटा दी। चाहे हम बात करें म्यूटो की, चाहे हम बात करें किंग गिदोरा की, चाहे हम बात करें कॉन्ग की, लास्ट स्टैंडिंग मैन हमेशा गॉडज़िला ही रहा है। गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है और वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स को भी काबू में कर सकता है। गॉडज़िला अपने मुंह से न्यूक्लियर बीम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गॉडज़िला पे न्यूक्लियर अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लियर अटैक्स उसे ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। एंड आफ्टर मोथरा सेक्रीफाइस गॉडज़िला ट्रांसफॉर्म इनटू बर्निंग गॉडज़िला, एंड इसके बाद उसने किंग गिदोरा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। आज तक मॉन्स्टर वर्स में ऐसा कोई टाइटन नहीं जो गॉडज़िला को हरा सके, और कुछ लोग गॉडज़िला वर्सेस मेका गॉडज़िला की फाइट के बारे में बताएंगे, तो मैं बोल देता हूँ कि मेका गॉडज़िला की फाइट एक वीकेंड गॉडज़िला से हुई थी, क्योंकि गॉडज़िला उसके पहले कॉन्ग से बहुत बार फाइट कर चुका था और बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए मेका गॉडज़िला उसे ओवर पावर कर पाया। अगर आपको मेरी रैंकिंग अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि हमने किसी को मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।